आप सभी का इस पत्रकार वार्ता में स्वागत है। संसद का सत्र चल रहा है और विभिन्न विषय चर्चा के सामने आ रहे हैं। पिछले ही दिनों मैं COP28 से लौटकर भी आया। पूरे विश्व में चलने वाली जलवायु परिवर्तन की वार्ता में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकासशील देशों की आवाज बनकर उभरा है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि G20 के इस कार्यक्रम के दौरान जो दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, उसमें भारत के नेतृत्व में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ग्रीन ग्रोथ की बात रखी गई, आज पूरे विश्व में उसको स्वीकारा गया है। लेकिन विकासशील देशों को अपनी इस विकास की यात्रा में फाइनेंस भी चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी चाहिए, क्योंकि दुनिया में जब तक हम इस टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र को बहुत अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, तब तक पूरे विश्व के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं अपने एक लगातार अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक सम्मानजनक स्थिति प्राप्त की है। इसको कह सकते हैं इंडियाज राइजिंग स्टेचर ग्लोबली। अब हम केवल विकासशील देश नहीं रहे हैं, भारत आज मिशन चंद्रयान जैसे अभियान को चला करके दुनिया में खोज की, विज्ञान की, इनोवेशन की और कैपेसिटी की अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित कर चुका है। कैपेसिटी केवल इस मायने में नहीं है कि हम चंद्रयान पे पहुंचे हैं, हमने सबसे कम पैसों में तकनीक का भी ऐसे इस्तेमाल किया है जो ये बताती है कि भारत कम फाइनेंशियल ताकत में भी चांद पर पहुंच सकता है। और इसलिए भारत का जो चंद्रयान का बजट था वो केवल 615 करोड़ रुपये था। भारत ने दुनिया को ये सिखाया है कि अगर ये ताकत हो, अगर क्षमता हो, अगर योग्यता हो, तो अपने संसाधनों के अंदर भी वैश्विक उपलब्धियों को पाया जा सकता है। हमें पता है कि 2014 से और 2019 के इस कार्यकाल में पूरी दुनिया ने कोविड के पैंडेमिक को देखा था, लेकिन कोविड के पैंडेमिक में ऐसा लगता था कि दुनिया में जो बड़ी देश जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है वो शायद इस महामारी के चपेट में आके अपनी आर्थिक स्थिति से बदहाल हो गए। लेकिन WHO के जो ने कहा कि प्रिपेयर्ड इंडिया इज अ प्रिपेयर्ड वर्ल्ड, भारत ने जिस प्रकार से कोविड की अपनी तैयारी करी और 1,30,00,000 की आबादी, 37 स्टेट और यूटी, 770 डिस्ट्रिक्ट और मल्टीप्लिटी ऑफ की पब्लिक हेल्थ के जो एक्शन को जो भारत सरकार के द्वारा किया गया, आज उसको विश्व में एक मान्यता प्रदान की गई। और इसलिए जो आप ये कहेंगे कि भारत की जो वी शेप्ड रिकवरी कोविड के दौरान हुई है, इसको IMF, वर्ल्ड बैंक और दुनिया के अनेकों संगठनों ने पूरी तरीके से स्वीकार किया है। भारत का जो GDP का फोरकास्ट है, उसका जो विस्तार है, वो 6.3% के हिसाब से भारत के अर्थव्यवस्था के विस्तार की जो हम कह सकते हैं धारा है, दिशा है, जो उसका जो वेग है वो 6.3% है। अगर दुनिया के बाकी देशों से मुकाबला किया जाए तो US में 2.1%, चाइना में 4.4%, यूरोजोन 0.7%। और ये मैं IMF की जो अक्टूबर 2023 की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर ये आंकड़ा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इसलिए भारत दुनिया का एक पोटेंशियल मार्केट बना है। आज डिजिटल क्रांति में जो लेटेस्ट iPhone 15 है, वो Apple ने उसका असेंबलिंग के लिए भारत को अपना स्थान के रूप में किया है। ताइवान की भी जो बड़ी कंपनी है Foxconn, उन्होंने भी और जापान की कंपनी ने भी भारत को एक नया मैन्युफैक्चरिंग हब, मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के रूप में न केवल चिन्हित किया है बल्कि आगे बढ़ाने की बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में आज भारत दुनिया की
पांचवी अर्थव्यवस्था बड़ी बना, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर जा रहा है। ये इस बात को बताता है कि आज पूरे देश भर में जो हम विकसित भारत की संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, वास्तव में इस अभियान का जो सबसे बड़ा मूल लक्ष्य है कि भारत ने अपनी बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाते हुए विकास के जिस लक्ष्यों को प्राप्त किया है 2047 में, वो भारत दुनिया का सबसे बड़ा भारत बनेगा। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण आधारित विकास, ग्रीन रोड डेवलपमेंट, चंद्रयान पर जाना, ये सब तो है ही, लेकिन भारत अपनी जो मूल विरासत है सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पक्ष में भी दुनिया में एक ग्लोबल स्टेचर लिया है। आपको पता होगा 2014 में प्रधानमंत्री जी के आने के बाद हमने योगा को एक बड़े अभियान के रूप में रखा है। मैं तो आज सारे समाचार पत्रों की सुबह उठ करके जो फोटो देख रहा था, जो सर्ववेद मंदिर बना है, ये इस बात को दर्शाता है कि हम अपने योग, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, कल्चरल इन्फ्लुएंस के द्वारा दुनिया में एक सॉफ्ट पावर के रूप में, सॉफ्ट पावर के रूप में हम परिणित हो रहे हैं। और इसलिए भारत में एलिफेंट विस्पर जैसी जो मूवी है उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलती है, चाहे ऑस्ट्रेलियन पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनी अल्बनिस हो, चाहे डैनिश पीएम मेटे फेडरकर्सन हो, चाहे इटालियन पीएम जॉर्जिया मिलोनी हो, और चाहे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हो, मोदी जी की क्षमताओं को, नेतृत्व को, उनके विजन को, उनके विकास की धारा को सबने स्वीकार किया। मित्रों, प्रधानमंत्री जी के साथ जब कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर हम उनको बहुत नज़दीक से इन वैश्विक बहुपक्षीय वार्ताओं में देखते हैं, जिस प्रकार का उनके नेतृत्व के प्रति हम एक सम्मान देखते हैं, वो बहुत बड़ा विषय है। COP28 में भी आपको पता होगा कि दुनिया के सब देशों के जब डायलॉग शुरू होते हैं, उससे पहले UAE ने सबसे पहले केवल शुरुआत में उसके ओपनिंग रिमार्क के लिए प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया। इस बार कॉप में जब फाइनेंशियल डायलॉग की भी बात शुरू हुई तो उसके भी ओपनिंग रिमार्क के लिए प्रधानमंत्री जी को आकर्षित किया। बाद में दुनिया के बड़े नेता पैनल डिस्कशन किया है, क्योंकि ये विजन, इसको हमने ग्लोबली स्ट्रेचर की दृष्टि से बढ़ाया है। इसके कारण आज हम इस विजन को लेकर के दुनिया में अपना एक स्थान बना रहे हैं, और यही कारण है कि आज हमारा यूथ जो है वो जॉब गिवर हो रहा है रेदर देन जॉब सीकर। आज सबसे ज़्यादा स्टार्टअप हमारे देश में बन रहे हैं, अभी जितने भी PLFS के आंकड़े हैं, बल्कि रिसेंटली जो आंकड़ा है वो दर्शाता है कि महिलाओं की कार्यक्षमता जो है, महिलाओं का जो कार्यकारी बल है, उसका रोजगार में बड़ा बढ़ावा हुआ है। भारत में रोज एक नया स्टार्टअप खुल रहा है, और नंबर दो इन आज हम स्टार्टअप में हुए हैं, लार्जेस्ट स्टार्टअप का हमारा इकोसिस्टम पूरे देश में बना है। आज भारत तीसरा लार्जेस्ट नंबर यूनिकॉर्न में वर्ल्ड के अंतर्गत आया है। 2021 में हमने 29 दिन में एक यूनिकॉर्न की स्थिति को प्राप्त किया है। अब 2022 में वो संख्या जो दिवस है वो घटकर 9 हो गए हैं। तो ये तेजी से आज भारत के जो विषयों को हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। फिर क्लाइमेट एक्शन में मैंने आपको बताया है कि हमने दुनिया में क्लाइमेट एक्शन के लिए क्लाइमेट एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम दिए हैं, जैसे स्वीडन के साथ मिलकर अभी कॉप में भी प्रधानमंत्री जी के साथ हमारा लीड IT लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, कि आखिर हमको ग्रीन ग्रोथ करनी है, ग्रीन इंडस्ट्री करनी है, और जो हार्ड टू अबेट इंडस्ट्री है, जैसे स्टील सेक्टर है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, जैसे सीमेंट सेक्टर है, एल्यूमिनियम सेक्टर है, इसमें हम हार्ड टू अबेट इंडस्ट्री को कैसे ग्रीन ग्रोथ में करें। और भारत ने 2019 में शुरू करा था, इस कॉप में प्रधानमंत्री जी और स्वीडन के प्रधानमंत्री ने इसका लीड IT 2.0 शुरू करा है। दुनिया भर में पर्यावरण के कारण जो लगातार हम देखते हैं तूफान वगैरह आते हैं, इसमें ऐसा कॉलेशन बनाया जाए जो विध्वंस होने वाले जो पर्यावरण के कारण हम कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कॉलेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसको कहते हैं अपने परस्पर अनुभवों को कैसे क्षमताओं को विकसित करें, तो भारत ने CDRI कॉलेशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर ये क्लाइमेट एक्शन ग्रुप बनाया है। उसके साथ ही साथ अभी जो पूरे दुनिया में जमीनों को का जो जंगल समाप्त हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, उसके लिए भारत ने इसी कॉप में UAE के साथ मिलकर ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्योंकि अब तो कॉप में भी कहा गया है कि सबको अपने रिन्यूएबल की क्षमता को पूरी दुनिया मिलकर के
उसमें 33% एक तिहाई को और क्षमता को वृद्धि करें। हालांकि मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि हमने 2015 में पेरिस एग्रीमेंट के बाद जो अपने अपने नेशनल डेमो एनडीसी देने थे, उस एनडीसीज में हमने विशेष रूप से अपनी क्षमताओं को 9 साल पहले पूरा किया, चाहे सोलर रिन्यूएबल की क्षमता हो, चाहे कार्बन एमिशन को कम करने की क्षमता हो। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया और बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए बिग कैट अलायंस बनाया। तो भारत ने अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ाया है। और इसलिए जब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने स्टेचर को बढ़ाया है, तो आपको ये ध्यान में आएगा कि हम एक जेनेरिक मेडिसिन में लीडिंग प्रोड्यूसर बने हैं, हमने नई टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर के सिस्टम को खड़ा किया है, हमने कंट्रीज में अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है। और इसलिए भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है वो लगातार बढ़ रही है, लगातार शाइन हो रही है। और इसको अगर कुछ आंकड़ों के साथ अगर आप देखें तो आपको ध्यान में आएगा कि ये क्षमताएं कैसे बढ़ेंगी। केवल कुछ आंकड़े लास्ट में मैं आपके सामने बोलना चाहूँगा कि हमने जो रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म इस दृष्टि से जो विषय को बढ़ाया, हमारे आज देश में 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बने हैं। भारत ने अनेक विकसित देशों के साथ व्यापारिक क्षमताओं के लिए अपने FTA बढ़ाए हैं। उसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो अनेक दुनिया भर के जो ग्रुप हैं वो ये बता रहे हैं कि भारत ने अपने डिजिटाइजेशन प्रोसेस में गवर्नेंस के प्रोसेस को 100% करा है। आज हमारी जो IT इंडस्ट्री है वो $227 बिलियन की, ये हमारी IT इंडस्ट्री की क्षमता है। डेटा पॉलिसी में हम आगे बढ़े हैं, वर्ल्ड लीडर के रूप में क्लाइमेट इनिशिएटिव प्रोग्राम में हम आगे बढ़े हैं, और हम इन सब विषयों के लिए जो आगे बढ़े हैं उसमें भारत की जनता का बड़ा योगदान है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का योगदान है। और अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो जी, मेरा एक सवाल है, जैसे अभी आपने जॉब की बात की, प्रधानमंत्री मोदी गए, उन्होंने अध्यक्षता की और अपनी बात रखी, उसमें उन्होंने एक बात कही कि भारत जो है पर्यावरण और विकास को संतुलित करते हुए, उनका संरक्षण करते हुए पर्यावरण को आगे बढ़ने की ओर अग्रसर है। साथ ही उन्होंने कहा कि 1.5 डिग्री सेल्सियस करने में भी भारत अपनी राष्ट्रीय योजना जो हमारी योजनाएं हैं उसके भी राह पे अग्रसर है, इसको आप कैसे देखिए। अभी क्या होता है कि कॉप में हर देश को अपना नेशनल कम्युनिकेशन देना होता है। इस कॉप में हमने अपना 3rd नेशनल कम्युनिकेशन दिया है और मेरा मानना है कि उसको आप लोगों को भी देखना चाहिए। हमारे 3rd नेशनल कम्युनिकेशन में हमने 2019 की जो ग्रीन हाउस गैसेस के इन्वेंट्री के आधार पर हमने अपना कम्युनिकेशन दिया है, उसमें मैं बहुत साधारण भाषा में कहूँ कि भारत की जो GDP बढ़ी है और कार्बन एमिशन कम हुआ है, वो इस बात को दर्शाता है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था में जहां एक तरफ विकास कर रहे हैं, वहीं हम कार्बन एमिशन कम करने के, ग्रीन हाउस गैसेस के कम करने के लक्ष्य को भी प्राप्त करते हैं। तो हमारे पूरे विकास का मॉडल आर्थिक विकास करने का है जिसमें ग्रीन हाउस गैस कम बने। दूसरा, दुनिया भर में हमारे पास 17% आबादी है और हमारा जो कार्बन एमिशन है वो 17% है। विकसित देशों की 17% आबादी है, उनका कार्बन एमिशन 60% है, अगर क्यूमुलेटिव सबको मिला दिया जाए, जो इस बात को दर्शाता है कि पर कैपिटा कार्बन एमिशन जो हमारा है वो दुनिया के औसत से एक तिहाई कम है। और सबसे बड़ी बात है कि मिटिगेशन मेजर्स गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, एडेप्टेशन प्रैक्टिसेस भी सरकार और समाज के द्वारा की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिशन लाइफ के मंत्र को दिया है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल। उसका अर्थ है कि हम अपनी जीवन पद्धति और व्यवहार में ऐसी चीज़ों को अपनाएं जो कार्बन एमिशन को कम करता हो या पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली हो। ये भारत की मान्यता भी है और हमने इसको आगे बढ़ के भी दिखा है। देखो, जिन्होंने इस औद्योगिक पूरे विकास के कारण सबसे पहले प्रगति के दर को हासिल किया है, तो पेरिस एग्रीमेंट में भी उनको 2 भागों में बांटा गया। एनेक्सर 1 में वो कंट्री है जिन्होंने हिस्टोरिकल एमिशन सबसे ज़्यादा किया और अपना कार्बन स्पेस सबसे ज़्यादा कैप्चर किया है। एनेक्सर 2 में वो देश है जो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं।
तो ये पेरिस एग्रीमेंट में तय हुआ था कि जो विकसित देश हैं वो विकसित देश कम से कम जो उन्होंने कार्बन कैप्चर को ज़्यादा किया है उसका जो लॉस है वो उसको लिए भरपाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करें और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें। लेकिन विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों पर जो दबाव दिया जाता है कि वो अपने फॉसिल फ्यूल को और इसको बंद करें उसको हमने स्वीकार नहीं किया। हमने कहा हम NDCs के हिसाब से जो CBDRC प्रिंसिपल है कि दुनिया के सब देश चाहते हैं कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर रहे, लेकिन कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर, अपने अपने देश की क्षमताओं के आधार पर हो, और जिसमें राष्ट्रीय परिस्थितियों में भी बहुत देशों के पास समस्या गरीबी उन्मूलन से लेकर बाकी विषयों की है। तो इस दृष्टि से विकसित देशों के दबाव को स्वीकार नहीं किया गया, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की बात की गई। और सबसे बड़ी बात है कि भारत ने अपनी वैकल्पिक ऊर्जा की क्षमता को समय से 9 साल पहले प्राप्त किया। तो हमने कहा है और हमने अपने थर्ड कम्युनिकेशन में भी कहा है कि एक तरफ हम अपने लोगों को एनर्जी देने के लिए लगातार प्रतिबद्ध हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, पर चूंकि हम दुनिया की 17% आबादी है और 17% आबादी होने के कारण एनर्जी नीड को केवल हम बाहर से ऑयल और गैस इंपोर्ट करके पूरा नहीं कर सकते। इसलिए जब तक विकसित भारत के पूरे लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे हमें कोयले की क्षमता पर भी निर्भर रहना होगा। सर, जो कॉप विजन आया उसमें ऑयल और गैस का कहीं मेंशन नहीं है, फॉसिल फ्यूल का और कोल को अलग से मेंशन किया गया है। वो ग्लासगो की लैंग्वेज है, ऑयल और गैस को उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने फॉसिल फ्यूल किया है ग्लासगो में, चूंकि एक बार डिक्लेरेशन हुआ था कि उसके फेस पर फेस डाउन। हालांकि विकसित देशों की इच्छा थी कि इसके फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन पर भी रोक लगाई जाए, जिसका हमने कड़ा विरोध किया कि आप हमको बांध नहीं सकते, किसी भी देश को आप निर्देशित नहीं कर सकते। वो कहा है, उन्होंने भाषा को थोड़ा सॉफ्ट किया, जिसमें कहा है कि जिन देशों के 2025 तक क्या कहते हैं पीक आए हैं, बल्कि आपको ध्यान होगा कि भारत की तरफ से इंटरवेंशन करते समय हमने ये कहा था कि उनको नेट जीरो नहीं, उनको पहले नेट नेगेटिव होना चाहिए। और यही कारण है कि 2 दिन ये वार्ता ज़्यादा चली, 2 रात लगातार चली, क्योंकि हमारा ये कहना था कि जब तक डेवलप्ड कंट्रीज अपने लक्ष्य को पूरा करें, क्योंकि एक रेस में 2 धावक दौड़े हैं, जो पहले दौड़ा है वो पहले पहुंचेगा, तो पहले अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसलिए विकसित देशों को नेट नेगेटिव ही होना चाहिए। निकाला नहीं है, उन्होंने अपनी हरकत ऐसे करी है कि निकल जाने का रास्ता उन्होंने तय किया है। कौन निकालता है भाई, कोई आकर के अगर वेल में कूदेगा तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। आप जैसे पत्रकारों को कहना चाहिए कि संसद में सांसद लोग सभ्यता का आचरण करें, और ये तो क्षेत्राधिकार जो है अध्यक्ष पीठ का और सभापति पीठ का होता है, क्योंकि सदन चलाने का काम तो उनका रहता है, लेकिन उनको व्यवहार में अशोभनीयता नहीं रखनी चाहिए। हम देख रहे हैं नई संसद में नई परंपरा स्वस्थ तरीके से स्वस्थ विषयों के लिए आनी चाहिए। ये सारे विषय हम तो प्रश्न के रूप में सांसदों के जवाब के रूप में देना ही चाहते हैं, क्योंकि विकसित भारत की यात्रा में हम तो सबका सहयोग चाहते हैं। अभी मेरे को कोई जानकारी नहीं है। सर, मैं बता रहा हूं, सर, जो विपक्षी अलायंस इंडिया अलायंस, उसकी आज बैठक है। सर, नकारात्मक राजनीति से देश का भला नहीं होना वाला। जयराम रमेश ने कहा कि राज्यसभा से इतनी बड़ी संख्या में पहली बार संसदीय इतिहास में हुआ है, तो सरकार चाहती नहीं कि विपक्ष सवाल करे और विपक्ष मांग करे। उनको आत्मचिंतन करना चाहिए कि उन्होंने इस प्रकार से क्यों राज्यसभा में हरकतें करी। और देखिए, मैं तो राज्यसभा में 12 साल से हूँ, इवन पहले भी जिस प्रकार से इन्होंने टेबल पे चढ़ के हंगामा किया था, उसके बाद इनको खुद को आत्मबोध हुआ था कि भाई ऐसा नहीं करेंगे। कोई उम्मीद करेगा कि भाई आप आकर टेबल पे चढ़ के किताबों को फाड़ दो? पिछली बार, अभी नहीं, तब भी कई से मेरी व्यक्तिगत बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा ये गलत था, तो आचरण तो सबको ठीक करना पड़ेगा। कहीं गला नहीं घोट रहे, सबके सामने है। अगर
और देश में स्वतंत्र चुनाव के तरीके से सबके सामने पूरी व्यवस्था है। विपक्षी दलों में एक हताशा आ गई है, निराशा आ गई है। जनता ये जान गई है कि विकसित भारत और भारत के बढ़ते हुए स्ट्रेचर को जो हम आगे बढ़ा रहे हैं, विपक्ष को इस पर नकारात्मक राजनीति नहीं करनी चाहिए। सकारात्मकता से विकसित भारत के लिए सबको अपना अपना योगदान देना चाहिए। सर, डीएमके के मंत्री वो आईएमडी पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि सीरियस फोरकास्ट नहीं देते, जो वहां साइक्लोन है, जैसा आया नेचुरल कैलेमिटी, देख रहे हैं सब लोग, देख रहे हैं। थैंक यू।